नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। हुगली हिंसा, अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। साबरमती जेल से माफिया आतिक अहमद को भेजा जा सकता है तिहाड़। केरल ट्रेन में आग मामला, एटीएस ने संदिग्ध को बुलंदशहर से हिरासत में लिया। यूपी में बेसिक माध्यमिक उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का एक ही आयोग से होगा चयन। नई दिल्ली, रामलीला मैदान में किसानों और मजदूरों का कल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अडानी की शेल कंपनियों में लगे 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी महासचिवों के साथ आज शाम 6 बजे करेंगे बैठक। केरल, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के पास लगी आग, नेवी के जवानों ने 2 घंटे में पाया काबू। मुंबई, महावीर जयंती के कारण आज बंद रहेगा शेयर बाजार। दिल्ली पुलिस ने एफबीआई की मदद से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मेक्सिको में किया अरेस्ट। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर हमला किया, अधिकारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अपने प्राइवेट प्लेन से न्यूयॉर्क पहुंचे। हरियाणा में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश से तापमान में गिरावट। दुबई के कोर्ट ने संजय शाह को डेनमार्क प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। ट्विटर ने बदला अपना लोगो, ब्लू वर्ल्ड की जगह नजर आ रहा डॉगी। बंगाल, हुगली के रिश्ता में फिर पथराव, ट्रेनों का संचालन रोका गया। राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स में बनी सहमति, राजस्थान इसे लागू करने वाला पहला राज्य, गहलोत। हैदराबाद को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि आईएमडी ने बारिश की भविष्यवाणी की है। घरेलू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 रन से जीत दर्ज की। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।